एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? कोई मुझे एब्स्ट्रैक्ट का मतलब बताएगा पहले. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेम एब्स्ट्रैक्ट? कौन बताएगा, कौन बताएगा? ओके प्रीतम राज, आप बताना चाहोगे? यस मैम. बताइए. मैम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन व्हिच कैन नॉट बी सीन और फेल्ट और स्मेल्ट और हर्ड. इट इज अ टाइप ऑफ. गुड गुड. ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? बिल्कुल, पहले मैंने वर्ड का मीनिंग पूछा था, बट आपने डेफिनेशन बता दी, विच इज ऑल्सो गुड. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? दोज थिंग्स विच डजंट एग्जिस्ट फिजिकली. हैंड्स डाउन प्लीज. ओके, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी बोलने की. ठीक है, सबको. ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो कि क्या है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता. जो कहाँ एग्जिस्ट करता है? एब्स्ट्रैक्ट थिंग मीन्स दोस थिंग्स विच डजंट एग्जिस्ट फिजिकली. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही यही होता है कि जो क्या है, फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता. ठीक है, अपीयर ही नहीं होता. वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? देन दैट ओनली एग्जिस्टेड इन आवर माइंड. जो सिर्फ हमारे क्या है, माइंड में एग्जिस्ट करते हैं. अब वो कौन कौन सी चीज हो सकती है जो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती है? हमारे आइडियाज, हमारे इमोशंस, ठीक है, हमारे स्टेट. दिस ऑल आर व्हाट बच्चे? दिस ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्यों? क्योंकि हम क्या है, हमने हमारे इमोशंस को भी नाम दे रखा है, हमने हमारे आइडियाज को भी नाम दे रखा है, हमने हमारे स्टेट को भी नाम दे रखा है. तो यानी कि जिसको हमने नाम दे दिया वो तो नाउन बन गया. बट अब जो फिजिकली शेप में नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? हमारे माइंड में या हमारे अंदर. ठीक है, उसका बाहर कोई शेप नहीं है. जैसे कि अगर मैं बोलूं कि लव, तो क्या आपको पता है लव की क्या शेप है? देखा है कि वो लव लंबी है या छोटा है, लड़का है या लड़की है, काला है या गोरा? वी डोंट नो, राइट? सो ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? इसका मतलब ये हमारे अंदर एग्जिस्ट कर रहा है. ओके, वन मोर. एंगर, ठीक है, कहाँ एग्जिस्ट करता है एंगर? बाहर कहीं दिखता है क्या, घूमता फिरता इधर उधर? नहीं, हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है. मीन्स वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट. अब एक बहुत ही बढ़िया चीज एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप अपनी 5 senses से फील नहीं कर सकते. 5 senses हमारी कौन कौन सी होती है? सी, स्मेल, टेस्ट, टच और हियर. तो ना तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को टच कर सकते हो, ना देख सकते हो, ठीक है, ना स्मेल कर सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो, ना टच कर सकते हो. तो मींस आप इनको अपने 5 senses से फील नहीं कर पा रहे हो. वो क्या बन गया? यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन. चलो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नेम ऑफ समथिंग विच वी कैन नीदर सी नो टच बट वी कैन थिंक ऑफ देम. हम उनके बारे में सोच सकते हैं. एक्चुअली वो एग्जिस्ट भी यही कर रहे होते, ठीक है, यहाँ कर रहे होते, हमारे माइंड में एग्जिस्ट कर रहे होते, बाहर उनका कोई अपीयरेंस नहीं होता. तो उन नाउन को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, दे आर नेम्स गिवन टू सम क्वालिटी, ठीक है, लाइक क्वालिटीज, फीलिंग, स्टेट, एक्शन, उनको हम नाम देते हैं. जैसे कि मैं बोलती हूँ, अगर आपको सामने गुडनेस बोलो, या मैं ऑनेस्टी बोलू, आप लोगों ने देखी है, ठीक है, और तो और इंटेलिजेंस, ब्रेवरी. अब ये वो चीजें हैं जिनको आप जानते सब हो. गुडनेस क्या होती है आपको पता है, ऑनेस्टी क्या होती है आप सब जानते हो क्या होता है ना, इंटेलिजेंस क्या होता है सबको पता है,
ब्रेवरी क्या है सबको पता है, बट क्या कभी किसी ने इनको देखा है? कैसी होती है, क्या शेप है उनकी, क्या साइज है, कहाँ रहते हैं, कुछ नहीं पता हमें उनके बारे में। सिर्फ हम उनको क्या करते हैं, फील करते हैं, कहाँ से, हमारे अंदर से। तो वो क्या चीजें हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, मैडम एक्शन, एक्शन तो दिखता है मैडम, एक्शन को कैसे आपने एब्स्ट्रैक्ट कह दिया। बहुत बच्चे मुझे कहते हैं कि मैडम एक्शन को कैसे एब्स्ट्रैक्ट कह दिया। तो चलो ठीक है, मैं एक एक्शन बोलती हूँ, थेफ्ट। आपने थीफ को देखा होगा कि चोर है ये, क्या आपने चोरी को देखा है? चोरी कैसी होती है? ओके, स्माइल देखी है, लाफ्टर देखा है, कैसा होता है? नहीं देखा, करेक्ट। क्रूअल पर्सन को देखा, क्रूअल की क्रुएलिटी देखी है कभी? क्रुएलिटी क्या होती है? एक इमोशन, एक फीलिंग, एक स्टेट, देख नहीं पाते हैं हम, हमारी फाइव सेंसेस से इनको कभी भी फील नहीं कर पाते। तो ये हमारी क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ ब्यूटी, करेज, स्ट्रेंथ, आप स्ट्रांग पर्सन को देख सकते हो, पर स्ट्रांग की, ठीक है, स्ट्रेंथ को नहीं देख सकते, राइट। नाउ स्टेट का क्वेश्चन, कि स्टेट कैसे? तो बच्चे चाइल्डहुड, आप सभी इसको फील कर रहे हो, आप सब चाइल्डहुड की स्टेट में हो, पर क्या किसी ने चाइल्डहुड देखा है? कितना बड़ा हो गया है बच्चा, है हाइट उसकी 5 फुट है या 6 फुट है, देखिए कभी चाइल्डहुड कितना हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक लव या हेट या कुछ भी, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे ऑक्सिलरी कौन सी लगती है? बहुत बार एग्जाम में आपके पास आती है, तो कौन सा ऑक्सिलरी लगता है? जिसको हम देख नहीं सकते बेटा, हम उसको गिन नहीं सकते। लव को गिनते हो, हैप्पीनेस। मैं बहुत बार ये एग्जाम्पल देती होती हूँ कि सैनिक स्कूल आपका क्वालिफाई हुआ, घर जाके मम्मी को ये कहते हो कि मम्मी मेरे को 1 किलो हैप्पीनेस हो गई, या 200 ग्राम हैप्पीनेस हुई, ऐसा करते हैं, क्योंकि मेजर नहीं कर सकते, ये फीलिंग है, ये इमोशन है, सो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसके साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी लगाते हैं ऑलवेज। Always we are going to use singular auxiliary with abstract noun. Always. इसको हम हमेशा abstract noun को one consider करते हैं. So we are always going to use singular auxiliary. ये standard rule है about abstract noun. Note it down. Next is material noun. Material noun क्या होता है? Material means क्या होता है? Material noun are those noun, those substance from which things are made of. नहीं आज definition मैंने लेनी इसकी, मैं खुद बता रही हूँ, ठीक है, कि material noun कौन सा होता है? वो noun, ठीक है, जिनसे क्या है, हम आगे बहुत सी चीजें बना सकते हैं। तो जो base form है ना, जो raw form है, ठीक है, जिससे आगे बहुत सी चीजें, जो base है, उसको हम क्या कहेंगे? Material noun, जैसे कि gold. गोल्ड क्या है हमारा? मटेरियल नाउन। क्यों? क्योंकि गोल्ड से हम आगे बहुत सी चीजें बना सकते हैं, हम यूटेंसिल बनाते हैं, हम ज्वेलरी बनाते हैं, हम ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, कितना कुछ बनाते हैं भाई, है ना, बनता है ना गोल्ड से, और सिल्वर, आयरन, कॉपर, प्लास्टिक, है ना। सो दीज ऑल आर व्हाट बच्चे, मटेरियल नाउन। और तो और वुड, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है वुड से रिलेटेड क्वेश्चन, वुड से पूछा होता है वुड कौन सा नाउन है, तो ये मटेरियल नाउन है। क्यों मटेरियल नाउन है? क्योंकि वुड से हम फर्नीचर बनाते हैं, राइट। तो जो बेस फॉर्म है वो क्या हो गई हमारी? मटेरियल नाउन, जिससे हम आगे बहुत सी चीजें बना सकते हैं, करेक्ट, लाइक सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, डायमंड, प्लास्टिक, कॉपर, ठीक है, बहुत से नाउन है जिनसे हम आगे बहुत सी चीजें बना सकते हैं,
वो क्या कहलाएंगे, मटेरियल नाउन। अब जो बेस चीज है जो रॉ फॉर्म में हमें अवेलेबल होगी वो काउंटेबल नहीं होती, सबसे पहले वो क्या रहेगी, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल को हमेशा हम वन कंसिडर करते हैं, तो ये एक चीज नोट कीजिए कि वी आर ऑलवेज गोइंग टू यूज सिंगुलर ऑक्सिलरी विथ मटेरियल नाउन। ठीक है, जैसे वाटर मटेरियल नाउन है ना, तो वाटर इज कलरलेस। ओके, पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।